देखो, लास्ट टाइम ये सर्विस डिपार्टमेंट डी को क्वेश्चन में दिया था 5:3:2 के रेशियो में शेयर करना है टू, देखो ए बी एंड सी में, सर्विस डिपार्टमेंट डी का। तो 5:3:2 में किए तो ये रेशियो बना, और यहाँ पे कर दोगे माइनस, -4515। ऐसे माइनस का एरो डालना। तो देखो यहां पे क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन डालने से प्रॉब्लम करेगा एक्सेल शीट में। फिर नेक्स्ट देखो, सर्विस डिपार्टमेंट ई करके अगर उसको डायरेक्ट वेजेस में डाला किस शेयर में डाला है इसको, ई को मैम, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस में डालेंगे तो डायरेक्ट वेजेस का शेयर देखो क्या है, ये 2:3:4 कितना है अमाउंट बताओ, 6010 को अप करेंगे। देखो इन दोनों का, हाँ मैम ए का 1:3:3:5.55 आया, तो उसको 1:3:3:6 6 लेंगे। कर दिया, ठीक है। यस मैम। और मैम बी का 2003 हाँ, और इसका और सी का मैम टू टू सिक्स सिक्स सेवन वन सेवन वन 2671। तो देखो ये पूरा क्या हो गया, माइनस हो गया, ये 4515 भी कंप्लीट, और हमने अभी किसको डिस्ट्रीब्यूट किया, 6010 को। जिसको नहीं समझ में आया मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, 6010 को डायरेक्ट वेजेस के शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया। ये देखो यहाँ क्वेश्चन में दिया है एक्सपेंस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ई टू डायरेक्ट वेजेस, टोटल करो फिर इन सबका। मैम। ए का आएगा 2124 43 हाँ, और इसका बी थ्री, का आएगा मैम, बी का आएगा 1052 3 और इसका और आएगा सी का नाइन मैम, एट सी फाइव का नाइन यस मैम। ठीक। और बाकी यहाँ का टोटल किया आप लोगों ने, सॉरी यहाँ का, ये तो ऑलरेडी किया हुआ है, 32825। अब इसका आप लोग वो निकालो, ओवरहेड रेट्स निकालो एज अ परसेंटेज ऑफ, निकालो ओवरहेड रेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। ये डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंट हुआ बताओ, ये जो ओवरहेड्स हैं ये बताओ कितना परसेंटेज हुआ डायरेक्ट वेजेस का। डायरेक्ट वेजेस देखो कितनी है, 2000, 3000 और 4000 ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कहीं पे, कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट्स। देखो रेड स्पॉट फॉलो करो, कंप्यूट द डिपार्टमेंटल, ये डिपार्टमेंटल है, ओवरहेड रेट्स फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। देखो हमने ये 4515 को डिस्ट्रीब्यूट किया कौन से शेयर में, 5:3:2 में यहाँ पे किया पहले, फिर 6010 को किसके शेयर में डिस्ट्रीब्यूट किया, डायरेक्ट वेजेस के में। तो जो ऑलरेडी यहाँ पुरानी अमाउंट थी वो ऐड हो गई। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, कंप्यूट द डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट फॉर द ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज्यूमिंग दैट ओवरहेड्स आर रिकवर्ड एज परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो देखो डायरेक्ट वेजेस का शेयर कितना दिया है, वैसे भी 2000:3000:4000, तो 2000:3000:4000 के शेयर में डालो इसको। देखो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेस का
रेशियो कितना है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए क्वेश्चन में, 2000:3000:4000, यही है कि नहीं है? देखो यस मैम, निकाला था आप लोगों ने इसका परसेंटेज, चलो निकालो 1243 2000 का कितना परसेंट है? देखो ये टोटल आया आपका 1243, ये कितना परसेंटेज है 2000 का? ये देखो, तो उसके लिए देखो ऐसे करते हैं, 1243 है आपका, ठीक, कितना परसेंटेज है इनटू एक्स, है ना, डिवाइड बाय 100 करते हैं तो सपोज कितना आएगा, 2000 आना चाहिए। चलो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये अपॉन का साइन नहीं लगाया है मैंने यहाँ पे, चलो करो इसको कैलकुलेट, ये समझो ये अपॉन का साइन है, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2000 × 100 करो, बताओ 2000 का कितना परसेंट है 1243? बताओ कहाँ चले गए सब? नहीं आ रहे समझ में? नहीं आ रहे तो बताओ जल्दी से, (6) 22.15% आएगा। देखो क्वेश्चन में पूछा है ना ओवरहेड रेट्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो डायरेक्ट वेजेस का शेयर देखो ना, ए में कितना दिया है 2000, बी में 3000, सी में 4000, तो 2000 का कितना परसेंटेज होगा ये 1243, तो 2000 × x/100 = 1243 करना शॉर्टकट है ये, देखो तो 1243 × 100 करो अपॉन 2000, 622.15 आएगा, सेम इसी में करो 10523 करो इंटू करो 100 और डिवाइड कर दो किससे 3000, कितना आ रहा है आंसर? फिर सेम इसके लिए करो 9859 × 622.15, हाँ वो तो मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे इसका निकालो 1052 बी का 350.77%, 350.77%, और इसका 9859 वाले का करो मैम सी का 2246.47% और इसका आया था 622.15%। किसी को डाउट है इस कैलकुलेशन में तो पूछ लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ये देखो
क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। देखो इसके पहले तक जो आइटम्स और एक्सपेंसेस होते थे, यहाँ पे देखो एक्सेल शीट, यहाँ देखो देखो ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जो आइटम्स को एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया था, पहले एबीसी में गया फिर डी में गया, तो ये जो भी था ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था। फिर अभी हमने जो क्वेश्चन किया था इसमें यहाँ तक प्राइमरी था, फिर जब डी और ई को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। कि एक बार हमने फर्स्ट टाइम डी और ई में भी दिया, फिर उसके बाद क्या किया हमने डी ई के अमाउंट को इन सब में दे दिया, तो ये था सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब नेक्स्ट देखो अपन सिंपल सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन बनाएंगे। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, देखो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कौन से डिपार्टमेंट के, सर्विस डिपार्टमेंट के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जब भी किसमें, प्रोडक्शन में, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना। कौन से अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सर्विस डिपार्टमेंट के अमाउंट को करेंगे, किसमें करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। इसके करने के तीन तरीके करेंगे अपन। फर्स्ट मेथड अपन करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, लिख लो मेथड्स के नाम, लिख लो युगपत समीकरण विधि, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड को बोलते हैं, युगपत समीकरण विधि। सेकेंड मेथड अपन करेंगे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, इसको बोलते हैं हिंदी में आवृत्ति वितरण विधि, आवृत्ति वितरण विधि। तीसरा मेथड करेंगे अपन स्टेप लैडर सिस्टम, स्टेप लैडर सिस्टम को आप लोग हिंदी में स्टेप लैडर ही बोलना। कोई ऐसा है जिसने मेथड को नहीं लिखा हो हिंदी में साइमल्टेनियस रिपीटेड या स्टेप लैडर को? किसी का छूटा है क्या कहीं पे? रिस्पॉन्ड करो बेटा, कहीं किसी का छूटा है, नहीं तो आगे स्टार्ट करो। स्टार्ट करें अपन। अब देखो क्वेश्चन देखो, अ मेडिसिन फैक्ट्री हैज थ्री प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक दवाई के कारखाने में तीन उत्पादन मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ना, कितने एक्स वाई जेड, देखो ये एक्स वाई जेड और तीन सर्विस डिपार्टमेंट है, टाइम स्टोर और मेंटेनेंस, टाइम स्टोर और मेंटेनेंस, ये देखो तीन प्रोडक्शन तीन सर्विस। द पोजीशन आफ्टर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड इज दिस अंडर, उपरिव्यों के प्राथमिक वितरण के पश्चात स्थिति निम्न है, मतलब देखो प्राथमिक वितरण हो चुका है इसलिए देखो अमाउंट सबकी अलग अलग आ गई है, चार छ तीन एक दो तीन, देखो ये वाला अमाउंट आया है, यानी ये वाला जो ये इसमें निकाले थे ना, ये देखो 7,990, 5,560, 2,600, 10,950, तो देखो ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो टोटल करते हैं,
तो देखो अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये डायरेक्ट दे दिया है देखो। ठीक, फिर देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ये तो कर्मचारियों की संख्या दिया है, इसमें इतने और इसमें इतने हैं। आगे देखो, समय विभाग सभी विभागों को सेवाएं प्रदान करता है, कौन सा समय यानी टाइम वाला कौन से डिपार्टमेंट को देता है, सारे उसको। आगे देखो समय विभाग का व्यय, अब देखो मैंने क्या बोला है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, सर्विस के एक्सपेंस को किसमें देते हैं, प्रोडक्शन में, मतलब जो भी सर्विस का एक्सपेंस है ये वाला, ये हम कहाँ दे देंगे, इधर प्रोडक्शन में। तो समय विभाग का व्यय विभिन्न विभागों में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर बांटना है। एक्सपेंसेस ऑफ टाइम डिपार्टमेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक, फिर देखो स्टोर एक्सपेंसेस को, ये टाइम का बोल दिया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे डालो। अब स्टोर्स का देखो किस पे डालना है, ये परसेंट दे दिया है, इसके बेसिस पे डालना है, 10, 20, 40 और 30 पे। फिर क्या दिया है, अनुरक्षण विभाग मतलब मेंटेनेंस का दिया है कि 30% एक्स पे दो, 50% वाई पे दो और 20% जेड पे दो। फिर देखो अब देखो कौन सा किसका डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले वो ध्यान पे दो। देखो कैसे पता चलेगा, जैसे ये स्टोर्स पे देखो ये 4 का ही दिया है सिर्फ। ठीक, स्टोर्स पे ये 4 का ही सिर्फ दिया है और टाइम पे सबका दिया है। तो पहले टाइम से स्टार्ट करेंगे, फिर स्टोर्स पे मेंटेनेंस में देखो सिर्फ 3% दिया है। इट मींस जब हम मेंटेनेंस का देंगे तो ये दो तब तक खत्म हो चुका होगा, यही 3 बचा रहेगा। चलो प्रोफॉर्मा बनाओ, समझ में आएगा। बनाओ पर्टिकुलर्स, फिर इसके बाद एक डिपार्टमेंट बनाओ, सर्विस डिपार्टमेंट, और फिर यहां पे बनाओ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट कितने हैं, टाइम, स्टोर और मेंटेनेंस। एक टाइम का बनाएंगे, फिर एक स्टोर्स का, और सेम ऐसे ही एक मेंटेनेंस का। नेक्स्ट प्रोडक्शन में देखो किसका बनाएंगे, एक एक्स का, एक वाई का और एक जेड का। देखो पहले किसका अमाउंट देख लो, कितना कितना दिया था, कॉस्ट एलोकेटेड स्टार्टिंग में देखो कितना दिया है, कॉस्ट एलोकेटेड। टाइम का अमाउंट देखो कितना दिया था, 1,000। स्टोर्स का दिया है 2,000 और मेंटेनेंस का दिया है 3,000। सेम एक्स का देखो कितना दिया था, 4,000। वाई का दिया है 6,000 और जेड का दिया है 3,000। अब देखो ये क्या हो रहा है, इसको ये वाला ना, उसको मेरे को सेटिंग चेंज करना पड़ेगा, उसको 6,000 समझना है। इधर देखो कॉस्ट एलोकेटेड में देखो पहले किसका करना है, टाइम का। देखो अपॉर्शनमेंट ऑफ टाइम डिपार्टमेंट कौन से बेसिस पे करने बोला है, देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे। ये समय विभाग सभी विभागों को सेवाएं प्रदान करता है, तो इससे स्टार्ट करेंगे। एम्प्लॉयज देखो कितने हैं, 50, 60, 40, 10, 30 और 20। तो टाइम का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन, तो टाइम का अपन नहीं लेंगे, तो बचा क्या, 50, 60। फिर क्या बचा है, देखो
40, टाइम का छोड़ देंगे 10 को, तो बचा गया 30 और 20, रेशियो बताओ कितना आएगा। बताओ एक्स में कितने हैं, 50 है, तो इसका टोटल करो 5, 6, 11 is to 4, 15 और ये 20 हो गया टोटल। अमाउंट देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, टाइम का अमाउंट कितना है 1000 है, 1000 को इनटू करो किससे करोगे 5 से, और इसको डिवाइड किससे करोगे 20 से, कितना आएगा बताओ 1000 इनटू 5 5000 डिवाइड बाय 20, या फिर डायरेक्ट 1000 को डिवाइड कर दो 20 से। मैम 250 आया, चलो 250 इनटू टाइम का करना है तो टाइम तो पूरा माइनस हो जाएगा 1000, ठीक। अब बताओ 250 इनटू 5 करो, फिर इसको वाई से करो 250 into 6, ये ज्यादा हो रहा है बेटा, कुछ मिस्टेक हुई है यहाँ देखो 1250 हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अगर हमारा अमाउंट ही 1000 है तो। देखो ये जो टोटल है ये है आपका 200, 50, 60, 40, 30, 20 का अमाउंट है 200। 1000 को अगर आप डिवाइड करेंगे 200 से,